हेलो एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं थीटा फैक्ट्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे ऐप के बारे में जिसमें गूगल के सारे फीचर्स हैं और वो गूगल का छोटा भाई है। उसका नाम है गूगल गो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग गूगल प्ले स्टोर को ओपन करेंगे और गूगल प्ले स्टोर पर जाके हम लोग सर्च करेंगे गूगल गो। तो गूगल गो सर्च करने के बाद जो भी हम लोग को सबसे पहला रिजल्ट दिखता है उसको हम लोग को इंस्टॉल कर लेना है। तो ये बहुत ही एक छोटी ऐप है, अराउंड 7 से 8 MB की ऐप है। तो गाइस, जिसको भी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और पहली बार ऑल पे सेट कर देना ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मेरा ऐप डाउनलोड हो चुका है, बस अभी इंस्टॉल हो रहा है। तो हम इसको ओपन करते हैं। तो जैसे हम लोग इसको ओपन करते हैं तो यह हमसे हमारी गूगल की आईडी पूछेगा। तो मैं मेरी गूगल की आईडी डाल देता हूँ। तो जैसे ही हम लोग अपनी गूगल की आईडी डालेंगे वैसे ही आपसे पूछेगा कि आपको कौन सी लैंग्वेज में गूगल को ऑपरेट करना है। तो यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेज है जैसे कि हिंदी, मराठी, तेलुगु, गुजराती, इंग्लिश। तो यहाँ पर 10 मेन लैंग्वेजेस दी गई है। तो अगर ये मेन लैंग्वेजेस में आप कंफर्टेबल नहीं हो ऑपरेट करने के लिए तो यहाँ पर नीचे आपको ऑल लैंग्वेजेस का भी ऑप्शन मिलता है जिस पे आप क्लिक करके आपकी जो कंफर्टेबल लैंग्वेज है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल हूँ इसलिए मैं इंग्लिश को सिलेक्ट करूँगा। तो इंग्लिश को सिलेक्ट करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आपको अपना लोकेशन, डिवाइस का लोकेशन गूगल गो को देना है कि नहीं। तो अभी के लिए तो मैं डिनाई करता हूँ। फिर आपका ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको एक ऐसा पैनल देखने के लिए मिलेगा जहाँ पर सबसे ऊपर आपको आपकी सिटी का एग्जैक्ट टेम्परेचर देखने के लिए मिलेगा अगर आपने लोकेशन अलाउ किया होगा कि नहीं। ये मैंने पहले से अलाउ करके रखा था इसलिए मेरा 30 डिग्रीज टेम्परेचर शो कर रहा है मेरे सिटी का। फिर उसके नीचे आप देखते हो तो आपको बहुत सारे वीडियो के ऑप्शंस मिलते हैं कि कैसे आप सर्च करोगे गूगल गो पे। तो वो तो हम लोग को मालूम है। फिर उसके नीचे आप आते हो तो आपको मिलता है ऑप्शन सर्च का, सर्च, वॉइस सर्च, कैमरा ट्रांसलेट, डिस्कवर, इमेजेस, GIF, यूट्यूब डाउनलोड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम लोग जैसे ही सर्च पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर एक लंबी सी लिस्ट देखने मिल जाएगी जो कि होगी आज के दिन में जो सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले कौन सी चीज़ है। जैसे कि आप देख सकते हो जॉनी डेप, इसको 1 लाख से ज़्यादा सर्चेज हैं और वन प्लस जेड जिसको 50,000 से भी ज़्यादा सर्च है। फिर वहीं पर अगर आप नीचे देखते हो तो आपको यहाँ पर वॉइस सर्च का भी ऑप्शन मिलता है। और अगर आपको वॉइस से सर्च नहीं करना तो आप अपने कीबोर्ड से सर्च कर सकते हो। यहाँ पर सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग कुछ भी चाहे सर्च कर सकते हो जो आप चाहो। तो फिर हम लोग यहाँ पर बैक करते हैं। तो बैक करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही होगी जैसे कि इधर एक ऑल ऐप्स करके है, इसको जैसे आप क्लिक करते हो वैसे ही आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ी लिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपको अलग अलग टाइप के ऐप्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहला जो कॉलम है वो है टॉप 10 का, मतलब टॉप 10 ऐसी वेबसाइट जो रोज़ पब्लिक सर्च करती है। तो उसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, फ्लिपकार्ट ऐसी बहुत सारी है। तो आपको जिसको ओपन करना हो आप सिंपली उसको क्लिक कर दो तो वो आपका ओपन हो जाएगा। फिर आप उसके नीचे देखोगे तो सोशल, एंटरटेनमेंट, गूगल, फिर आपको यहाँ पर गेम्स भी मिल जाती है। ये इसमें आप गेम्स भी खेल सकते हो छोटी छोटी, वो भी बिना डाउनलोड करे। जैसे कि मैं आपको एक गेम खेल के बताता हूँ, टिक टैक टो का। तो आप जैसे ही टिक टैक टो पे क्लिक करोगे वैसे आपके सामने ये गूगल पे सर्च करेगा। तो हम लोग एक गेम खेल लेते हैं छोटी सी। तो वो जीत गया, कंप्यूटर जीत गया। फिर यहाँ पर आपको है ना ऑप्शन भी मिल जाता है कि आप अपने दोस्त के सामने भी खेल सकते हो या फिर आप इसमें इम्पॉसिबल लेवल पे भी खेल सकते हो, मीडियम लेवल पे भी खेल सकते हो और इजी लेवल पे भी खेल सकते हो। फिर यहाँ पर आप नीचे आते हो तो आपको बहुत सारी गेम्स भी मिल जाती है अलग अलग टाइप की। तो हम लोग बैक कर लेते हैं और यहाँ पर नीचे आपको स्पोर्ट्स में आपको स्पोर्ट्स की हर स्कोर की आपको न्यूज़ मिलती रहेगी।
फिर आप नीचे आओगे तो न्यूज़, न्यूज़ की जो बेस्ट वेबसाइट्स है वो आपको बताएगा, फिर उसके नीचे शॉपिंग की बेस्ट वेबसाइट्स बताएगा, फिर आपको रेफरेंस में जैसे कि विकिपीडिया है, क्वोरा है, शब्दकोश, ये सब चीज़ें हैं जिस पे आप कुछ मतलब सर्च कर सकते हो, जैसे कोई वर्ड का मतलब है या तो फिर दूसरा कुछ। फिर आप नीचे आते हो तो बैंकिंग एंड फाइनेंस मिलता है आपको ऑप्शन, जिसमें आप बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी वेबसाइट देख सकते हो। फिर आप नीचे आते हो तो गवर्नमेंट के सब वेबसाइट्स, ट्रैवल, वेदर, एजुकेशन, जॉब्स, ऐसे बहुत बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके लिए यहाँ पर, तो आप जिसको सिलेक्ट करना चाहो। अगर आपको कोई बेस्ट वेबसाइट नहीं मालूम कोई चीज़ के लिए तो आप सिंपली यहाँ पर आके देख सकते हो कि हाँ भाई मेरे को न्यूज़ पढ़ने के लिए बेस्ट वेबसाइट्स चाहिए, तो यहाँ पर आपको बता देगा कि फर्स्ट पोस्ट, आज तक, ये सब बेस्ट वेबसाइट्स हैं जो ज़्यादातर पब्लिक यूज़ करती है न्यूज़ देखने के लिए। तो हम लोग इसको भी बैक कर लेते हैं। फिर यहाँ पर आप चाहो तो आप अपने होम स्क्रीन पे भी कोई कोई वेबसाइट्स डाल सकते हो, जैसे कि जो आप रेगुलरली यूज़ करते हो, फ्रीक्वेंटली, बार 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 बार, तो वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लो। तो अगर आप इंस्टाग्राम बार बार यूज़ करते हो तो आप इंस्टाग्राम सिलेक्ट कर लो, तो आपके होम स्क्रीन पे आ जाएगा इंस्टाग्राम। फिर यहाँ पर आपको यूट्यूब मिलता है कि आप इन ब्राउज़र यूट्यूब भी सर्च कर सकते हो, यूट्यूब से भी कोई वीडियो देख सकते हो वो भी इन ब्राउज़र। फिर आपको किसी भी तरह का इमेजेस चाहिए या GIF चाहिए तो वो भी आप सर्च कर सकते हो इसी ऐप में। फिर यहाँ पर आपको कोरोना वायरस, COVID-19 का भी ऑप्शन देखने मिलता है, उस पर क्लिक करोगे तो ये आपको अलग अलग अपडेट्स देगा कोरोना वायरस के लिए, जैसे कि यहाँ पर सिम्टम्स और ये सब। ये है ऐप एकदम गूगल जैसा ही, सेम टू सेम ये ऐप गूगल जैसा ही है, पर ये गूगल का छोटा भाई है। गूगल जहाँ पर आपको 60 MB का होता है और हम लोग फ़ोन में डालने के बाद जब हम लोग उसको यूज़ करने लगते हैं तो वो बढ़ बढ़ के उसकी MB वो स्टोरेज लेने लगता है धीरे धीरे, 200 MB, 300 MB, तो वो आपके फ़ोन में बहुत ज़्यादा स्टोरेज ले लेता है। तो ये जो ऐप है गूगल को, ये बहुत छोटा ऐप है, 7 MB का है, अगर ये बढ़ के स्टोरेज भी लिया तो भी ये ज़्यादा से ज़्यादा 100 MB तक जाएगा, उससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता जाने वाला है। तो इसका एक और आपको फ़ायदा है कि हम लोग बैक आ जाते हैं, हम लोग जैसे ही होम स्क्रीन पे आते हैं, होम स्क्रीन पे हम लोग को लॉन्ग प्रेस करना है 2 सेकेंड्स तक, फिर आपको यहाँ पर विडजेट्स देखने मिल जाते हैं। वो विडजेट्स पे आप क्लिक करके आप यहाँ से गूगल गो का विडजेट लेके ड्रैग करके यहाँ पर रख सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप रख देते हो तो आपको ईजिली आपको मालूम पड़ जाता है, अगर आपको फटाक से कुछ भी सर्च करना है तो आपके होम स्क्रीन पे ही आप सिंपली क्लिक करो और आपको जो सर्च करना है आप कर लो। और अगर आपको इसमें एक और आपके पास मतलब अगर कोई भी फ़ोटो है तो आप फ़ोटो को भी सर्च करके आप देख सकते हो कि उस पर क्या टेक्स्ट लिखा है। जैसे कि मेरे पास एक बुक पड़ी है तो मैं वो बुक के टेक्स्ट को इसमें सर्च करता हूँ, तो मैं ओपन करूँगा कैमरा और अपना वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए अलाउ कर दूँगा। टेक अ फोटो ऑफ वर्ड्स यू वांट टू अंडरस्टैंड। फिर इसने बोला कि आपको जो वर्ड का फ़ोटो, जो वर्ड का मतलब जानना है उसका फ़ोटो लो, तो मैं फ़ोटो ले लेता हूँ। फिर मेरे को सिर्फ इतनी सी चीज़ के बारे में जानना है। टैप ऑन अ वर्ड टू सर्च फॉर इट। ये सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर, टैप ऑन अ वर्ड टू सर्च फॉर इट। फिर आपको जो भी वर्ड का मतलब जानना है आप सिंपली उसको क्लिक कर दो। मैं नवनीत पे क्लिक करके सर्च करता हूँ तो आपको यहाँ पर नवनीत का आ जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे और ये ऐप बहुत ही ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा है, छोटी सी ऐप में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। फिर अगर आपको यहाँ से यहाँ पर जहाँ पर नवनीत लिखा है वहाँ पर आपको अपनी हिस्ट्री दिखाएगा, तो आप सिंपली नवनीत को क्लिक करके अगर आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हो, और आपको डिलीट नहीं करना है, रखना है तो आप रख भी सकते हो। तो यहाँ से हम लोग डिलीट कर देते हैं, तो डिलीट कर दिया। फिर यहाँ पर आपको बहुत फिर यहाँ पर आपको इनकॉग्निटो मोड भी मिलता है, जिससे आप कुछ भी सर्च करोगे तो उसका हिस्ट्री। फिर यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि डिस्कवरी पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको न्यूज़ देखने मिल जाएगी, अलग अलग बहुत सारी न्यूज़ मिलेगी आपको, जैसे कि आपको गूगल के ऐप में मिल जाती है, आपकी खुद की पर्सनलाइज्ड न्यूज़ मिल जाएगी। फिर बस गाइस, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और बेल आइकन दबा देना, और
नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर देना अगर थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो। गाइस मेरे को पता है मैं बहुत टाइम से इनएक्टिव था क्योंकि बीच में हमारा रमज़ान का मंथ था, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। अभी मैं ऑलमोस्ट रेगुलर रहूँगा वीडियो में। मैं देखता हूँ मैं इन अ वीक ऑलमोस्ट 2 वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो गाइस बस आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर